जीवन रोते बीता, प्यार में इतना दर्द मिला, जख्म नया फिर दे गया मुझको जब भी वो बेदर्द मिला। हिजर की आग में जलकर भी हम ठंडी आहें भरते हैं, राख हुए अरमान बेचारे, दिल का मौसम सर्द मिला। दे गया उतने दर्द वो आखिर जितनी थी तौफीक उसे, दे गया उतने दर्द वो आखिर जितनी थी तौफीक उसे, इस दुनिया में सादक तुझको बन के जो हम दर्द मिला। कुछ होकियां च लंघी, कुछ हावां विच लंघी, साड़ी जिंदगी ते सारी ये सजावां विच लंघी। साड़ी झोली विच पिया सारी उम्रां दा सोग, सानू घुण वांगू लगा उन्हां वेलियां दा रोग। कड़ी एक अद्धी जिहड़ी उन्हां बाहवां विच लंघी, साड़ी जिंदगी ते सारी ये सजावां विच लंघी। साडे हंजुआं दे विच साडी डुब गई हयाती, किवें भुल जाइए असी यारो रात बरसाती। जिहड़ी प्यार दियां सोहणियां गुनाहां विच लंघी, साडी जिंदगी ते सारी ये सजावां विच लंघी। असा यार दियां कदमां ते मत्थे बड़े टेके, यूके के लोगों के लिए कह रहा हूं ये शेर। असा यार दियां कदमां ते मत्थे बड़े टेके, असा सादक ने दो दिन खुशियां दे वेखे। साडे लेखां सड़े होंटां दी दुआवां विच लंघी, कुछ होकियां च लंघी, कुछ हावां विच लंघी। खासकर अयूब साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एस एम सादक और आप देख रहे हैं एस एम सादक ब्लॉग। मैं इस वक्त बर्मिंघम में हूँ और सोहो रोड पे हम, ये बड़ी मशहूर जगह है, ये सिखों के नाम से है और बड़े अच्छे व्यू हैं इसके। मेरे साथ सलीम साहब हैं, तो ये हमें कहते हैं चलो आज मौसम भी बहुत ठंडा है और आज फुटबॉल का मैच भी हो रहा है इंग्लैंड और फ्रांस। लोग बहुत शौकीन हैं, गोरे क्लबों में पहुंच चुके हैं और बड़ा पुरसकून माहौल है। और आज पहले दिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत बेहतर हुई है अल्लाह के फजल करम से। तो आपने मेरे साथ रहना है, आज मैं आपको बर्मिंघम की ख़ास ख़ास जगह की सैर करवाऊँगा। बहुत शुक्रिया। रंगा ते महकारा धोखा दिता है, धोखेबाज बहारा धोखा दिता है, ते मिठा मिठा बोल के खोटे लोगों ने खबरे किन्नी वारा धोखा दिता है, ते अखा मीट के फुलां पिछे नसते ने फिर कहिंदे ने खारा धोखा दिता है। और साडे वर्गे पोलियां सिद्धियां बंदियां नूं हुसन दियां सरकारां धोखा दिता है, ते मारे गया यार पराईयां आसां ते मंगे हुए हथियारां धोखा दिता है। नाज़रीन, चंद कदम आगे जाके सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा नज़र आ रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बर्मिंघम में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का और इसकी तारीख बहुत पुरानी है, वो 250-250 साल पहले, 300 साल पहले की। तो बाकी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, बाजार बिल्कुल खाली है, फ्रांस का इंग्लैंड का मैच हो रहा है फुटबॉल का, और इस वक्त बर्मिंघम के लोग, पंजाबी भाई और जो भी इधर लोग रहते हैं, वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये सिखों का गुरुद्वारा आ रहा है जी, आ गया है, सिखों का गुरुद्वारा आ गया है। ये देखें, मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि ये अच्छे तरीके से आपको ये दिखाए। नाज़रीन, मैंने सलीम साहब को कहा, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, भाई हैं हमारे, कि यार ये आप मुसलमानों की मस्जिदें किधर है? तो वो कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बर्मिंघम में 100 से ज़ायद मस्जिदें हैं मुसलमानों की। वरना मैं तो ये सोच रहा था, जैसे अलामा साहब ने फरमाया है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमां की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। अब आपको मस्जिद दिखाते हैं नाज़रीन।
अब मेरा बेटा वसीम जो कैमरामैन है और मेरे साथ आया है, वो मस्जिद का आपको व्यू अंदर से देगा और सारी मस्जिद दिखाएगा आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने मुल्क में आ गए वापस। और इतनी प्यारी मस्जिद बनाई इन लोगों ने, क्या बात है। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत प्यारा रोड है। और हम इंशाल्लाह तआला कोशिश करेंगे इस जुमे की नमाज़ इसी मस्जिद में पढ़ें आके। नाज़रीन, इसमें एक बात और भी है कि इसमें सारी रात जौन से जैसे हमारे लाहौर में स्टोर ओपन रहते हैं ना, इधर भी ऐसे ही है। बहुत प्यारे स्टोर बनाए, सारी रात ओपन रहते हैं। और माशाल्लाह इसमें एक बात और भी है कि इसमें जो उनसे ना लिखा मेंशन किया था हर चीज़ पे कि ये हलाल है, ये वेजिटेरियन है, इस तरह के हर चीज़ में लिख के लगाई होती है। और जो लिखा होता है सेम वैसा ही होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। हाँ जी, कोई अभी कोई शेर सुटो, कोई शेर बताएं कोई नया, ताकि ड्राइव हो रही है चले मज़ा ले रहे हैं। नया नहीं बेटा, पुरानी यादें। आज मौसम अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा मार के भुकल धोखे वाली लुटियाई बेतकसीरां नूं जानी शाला रब ना बख्शे तेरे वर्गियां हीरा। वाह 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 वाह। नाज़रीन, इंग्लैंड में आके हमने हीर को बददुआ दे दी है। अब ये शहरी में बददुआ दी है, वैसे अल्लाह पाक हीर को सारे हीरों को कायम रखे, कायम रखे, हीरों के साथ बहारे जी सबकी। वरना रांझे तो दीवारों से टकरे मारते फिरेंगे। ऐसे ही है नाज़रीन, ये सदाम मस्जिद है, इसकी हिस्ट्री आपको अबू बताते हैं जी। सदाम हुसैन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। ऐसा दलेर आदमी मैंने देखा जिसने गुलामी कबूल नहीं की, और जब फांसी का वक्त आया तो वो पुराने पाक पढ़ता हुआ फांसी के फटे तक गया और उसने अपना चेहरा कहा मेरा चेहरा खुला रहने दो। यहाँ पर मुझे फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर याद आ रहा है कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये एक बंगाली कम्युनिटी, ये उनकी मस्जिद है, उन्होंने बनाई, मतलब मस्जिद तो सारी अपने मुसलमान के अपने सरकार की है, हमारे अल्लाह पाक की है। हम बर्मिंघम के अल मारूफ जगह जहाँ पे हिंदुस्तानी फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में, पंजाबी लगती हैं, स्टार सिटी में आए हैं। तो ये है जी बर्मिंघम की स्टार सिटी। तो ये देखें कितना प्यारा, ये गुब्बारे किस तरीके से सेल हो रहे हैं, और मौसम बड़ा अच्छा है। तो नाज़रीन, ये मेन गेट है स्टार सिटी का, फुटबॉल का मैच ख़त्म होने वाला है और उसके बाद हम इकट्ठे हो जाएंगे। ये झूला देखें कितना प्यारा है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको। तो उसके बाद फिर हम को ये ड्रॉप कर देंगे होटल में, हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल में, जो पाकिस्तान में भी है, वहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है ये, और मौसम आज बहुत अच्छा है, ठंड बहुत है लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ी आवाज मेरी निकलनी शुरू हो गई।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये बर्मिंघम का सबसे मशहूर रोड है आलम राग रोड। ये मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इस रोड पे है और इस एरिया के आसपास तकरीबन 35 मस्जिद हैं। बहुत प्यारा रोड है माशाल्लाह, और सारे आपको हर दूसरा बंदा इधर मुसलमान ही नज़र आएगा। आज़ाद कश्मीर के लोग ही इधर ज़्यादा। ये देखे ना अल हलाल रेस सुपर मार्केट, अल हलाल सुपर मार्केट। और ये देखें जी, ये कितनी प्यारी दुकान है कबूल। और ये सारा जो है ये मुसलमान का एरिया है, मुसलमानों का ना। इसमें हर तरफ ऐसे लग रहा है जैसे हम लाहौर के मार रोड पे फिर रहे हैं। ये बॉब शॉप और इज़्ज़त तुर्क जी, जुनेद जमशेद, अल्लाह पाक उसको जगह पर जन्न नसीब करे, उसका नाम से इन्होंने बनाया हुआ है पुती के उनकी। ये हाजी तकरीबन ये सारा जो है ये इधर मुसलमान ही मुसलमान है। ये देखें कितना प्यारा है, ये देखें, वाह वाह वाह, ये सारा वेजिटेरियन जितना भी है वो सारा इधर पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी एशियन कपड़े भी इधर से मिल रहे हैं। आज फुटबॉल का मैच नहीं, इस वजह से हर चीज़ बंद हुई हुई है सारे लोग। हाँ जी, कैसा लगे है आलम राक रोड, कैसा लगे इधर? बहुत वधिया, बहुत वधिया माशाल्लाह। आज मेरी तबीयत थोड़ी फ्रेश हुई है, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे और सदा सलामत रहे, इनके कारोबार में और तरक्की रब दे, आमीन। सलीम साहब हमें हर चीज़ का विज़िट करवा रहे हैं और सलीम साहब को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। इन्होंने हर आधे घंटे बाद हमारे पास आते हैं, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, और माशाल्लाह नई नई चीज़ें हमें खिला रहे हैं। आज हमें स्पेशल इन्होंने दावत की है जी कि आपको पाए खाने इन्होंने कहे जी कि आज हम आपको पाए खिलाते हैं, सीरी पाए जो उनसे ना। और ये हम अब वेट कर रहे हैं कि जी हमने पाए खाने जाना है, उससे पहले ये हमें विजिट करवा रहे हैं जी, ताकि सादिक साहब आपको और भूख लग जाए और आप पेट भर कर खाना खाएं। ये चाय वाला है जी, इनकी चाय बहुत स्पेशल है, इंग्लैंड पूरे में बर्मिंघम में जो उनसे ना हर जगह पे ये मिलती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जी ये चाय वाले की चाय पिए। नाज़रीन, बर्मिंघम की सैर की, बहुत ही मज़ा आया। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा फिर चक्कर लगाने की हसरत है, अल्लाह सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। तो अब हम चलते हैं ये मस्जिद, ये बर्मिंघम की सबसे बड़ी मस्जिद है पाकिस्तान में, गंगोल शरीफ है कोई, और उसका नाम ही सुना पहले। गमगोल शरीफ पाकिस्तान में है, खैर मुझे तो पता नहीं तो, लेकिन ये बर्मिंघम की बहुत बड़ी मस्जिद है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। और इसी तरह हमारा इस्लाम जो है वो दुनिया में तरक्की करे और एक तरह ऐसा आए कि इस्लाम का बोलबाला हो। बहुत नाज़रीन, ये मसाला फिश है,
लेकिन ऐसी मछली मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। नाम का तो मुझे पता नहीं इसका क्या है, लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। और ये कांटे के बगैर है। नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस अदारे से मेरी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ वो ये कबाब की दुकान है, डोनर कबाब। यहाँ पे अयूब साहब होते थे, ओरिएंटल स्टार एजेंसी बर्मिंघम। तो इनके साथ मैंने 30 साल इतना काम किया कि मुझे शायद याद भी ना होगा कि मैं कितना काम कर चुका हूँ इनके साथ। तो मेरी दुआ है कि यहाँ पर अब तो वो छोड़ के नेट का दौर आ गया है, तो अब वो चैनल पे काम करते हैं। तो अल्लाह जिस शख्स ने इस जगह पे, ये बड़ी बरकत जगह है क्योंकि इसमें हमारे बड़े भाई जनाब अयूब साहब, फरूक साहब और यूनुस साहब ने काम किया है, हमारे लिए ये बड़ी बरकत वाली जगह है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं अब होटल आ चुका हूँ। बर्मिंघम की सैर आज आपने की और मैंने अपने सारे व्यूज़ को बर्मिंघम की सैर करवाई और खाना खाया, चाय पी। तो अब मैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। सर्दी बहुत है, मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह हाफिज़।